है मिलो जी गाइस, अभी हम लोग जस्ट पहुंचे थे स्कूल एंड भाई फाइनली मेरा एडमिट मेरे को मिल गया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू न्यू ब्लॉग। तो गाइस, मैं आ गया हूं आप सभी के लिए लेके एक और न्यू ब्लॉग। तो गाइस, अभी दोपहर के बज रहे हैं एक और भाई मैं मस्त रेडी वेडी हो गया हूँ स्कूल जाने के लिए। और जैसे कि आप लोग को याद होगा, मेरा एडमिट एंड डैशबोर्ड स्कूल में ही है, तो उसे ही लाने जाने वाला हूँ। एंड मेरा फ्रेंड नितिन एंड सत्यम आए हुए हैं मेरे घर, वो लोग बाहर है। सो अभी बिना किसी देरी से चलते हैं गाइस। अभी साइकिल निकलाना पड़ेगा एंड जाना पड़ेगा। आप लोग को नितिन एंड सत्यम को दिखा दे रहा हूँ, ये सत्यम एंड ये नितिन, और वो लोग का ये साइकिल है। सो अभी अपना भी साइकिल निकलाते हैं एंड चलते हैं स्कूल। तो गाइस, साइकिल जाने वाला है तो लेट तो लगेगा, आपसे सीधा मिलेंगे वही स्कूल पहुंच के, वहां पे बातचीत करेंगे, फिर एडमिट लेने के बाद चले आएंगे घर। है मिलो जी गाइस, अभी हम लोग जस्ट पहुंचे थे स्कूल एंड भाई फाइनली मेरा एडमिट मेरे को मिल गया। एंड स्कूल में आके ब्लॉग नहीं स्टार्ट किया, पहले एडमिट खोजा, फिर उसके बाद में ही कुछ ब्लॉग बनाया जाए। पहले तो भाई यहाँ आपके साथ पहले आप लोग को एडमिट दिखा दे रहा हूँ, फिर आगे का कहानी मैं बताऊँगा। सो ये क्वेश्चन पेपर है गाइस, उस दिन का पेपर का क्वेश्चन पेपर है, एडुकेशन का एग्ज़ाम था मेरा लास्ट एग्ज़ाम। सो यही एग्ज़ाम लिख के मैंने इसी का अंदर एडमिट रखा हुआ था। अरे भाई, एडमिट कहाँ गया रे? हाँ ये रहा भाई, तो ये रहा मेरा एडमिट गाइस। और मैं क्वेश्चन पेपर का अंदर ही रख दिया था इसको, और फिर उसके बाद में भाई छोड़ के घर चला गया था भाई। क्वेश्चन पेपर के अंदर रख के पेपर और डस्टबोर्ड को वहीं पे छोड़ के ही चला गया था। पेपर देने में गया, मैम को पेपर दिया, फिर उसके बाद घर चला गया। सो ये भूषण अंकल थे, वो रख दिए थे। एंड उनसे जब मैंने पूछा आज आके स्कूल, तो वो बोल रहे हैं कि मैं एक भाई को दे दिया हूँ और वो तुम्हारा फ्रेंड है, और मेरे फ्रेंड में से कोई लिया ही नहीं था एडमिट को। और भाई ये बात सुनने के बाद भाई बहुत ही ज़्यादा शौक लगा हुआ था। एंड फिर हम लोग गए राज भैया के पास, तो राज भैया से पूछे तो राज भैया ऑफिस में खोजे, तो भाई एडमिट जाके मिला है, और एडमिट मिला तो हम लोग इधर आए। एंड ये लोग क्या खुरापाती कर रहा है यहाँ पे पता ही नहीं चल रहा है। सो और एक दो बात भाई हम लोग को पता नहीं था, वो पता चला आज स्कूल आके, जो कि हमें पता नहीं था वो बात आज स्कूल आके पता चला। हम लोग का कल रिजल्ट है और एडमिशन भी है, दोनों कल ही होगा। सो अभी मैं यहाँ से जाने वाला हूँ घर, कल फिर से स्कूल आना पड़ेगा। कल क्या है भाई हम लोग का रिजल्ट? कल भाई रिजल्ट है एंड एडमिशन भी है, तो एडमिशन बाद में देखा जाएगा, पहले रिजल्ट देना पड़ेगा। सो एडमिट तो मिल गया एंड अभी हम लोग घर के लिए निकल रहे हैं। और सत्यम किधर जाएगा तुम? हम तो घर जाएंगे, तो ये भी अपना घर चला जाएगा, और नितिन और हम लोग साथ ही में जाएंगे, ये हटखोला से अपने घर चला जाएगा, फिर मैं घर चला जाऊँगा। तो आपसे सीधा मिलते हैं घर पहुँच के गाइस, फिर अगर कुछ इधर उधर जाएंगे ठीक है, तो आपसे सीधा मिलते हैं घर पहुँच के। तो है मिलो जी गाइस, भाई अभी अभी जस्ट मैं घर पहुँचा और साइकिल के ऊपर पार्क कर दिया हूँ। एंड भाई इतने ज़्यादा पसीना आ रहा है ना भाई, क्या ही बोलूँ, बहुत ही ज़्यादा इधर गर्म पड़ रहा है भाई सब। एंड ये अलमोल भी स्कूल से अभी अभी आ रहा है, इसका भाई एग्ज़ाम चल रहा था। कितने क्लास में हो अभी? 9 में। तो इसका 9 का एग्ज़ाम चल रहा था, तो मैं जस्ट आया एंड ये भी आ रहा था उधर से। सो गाइस, एक तो टेंशन गया एडमिट जो था भाई, एडमिट मिल गया तो भाई उसका टेंशन तो गया, बट भाई कल का भाई मुझे बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो रहा है आज से ही, बिकॉज गाइस कल मेरा रिजल्ट आने वाला है एंड पता नहीं क्या होने वाला हूँ, फेल ना हो जाऊँ भाई, क्योंकि भाई पढ़ाई नहीं किया था ना, तो थोड़ा थोड़ा डर लगा है। कल बहुत ही बुरा हाल होने वाला है, मेरा नहीं मेरे फ्रेंड लोग का भी, क्योंकि वो लोग भी पढ़ा नहीं था ठीक है। तो इस वाले ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। एंड भाई सिर से कितना ज़्यादा पसीना आ रहा है भाई, देख सकते हो आप लोग, भाई बहुत ज़्यादा गर्म है भाई, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है। हम लोग का यहाँ का टेम्परेचर आप लोग को बताऊँ तो भाई, यहाँ का टेम्परेचर 34 से 35 डिग्री चल रहा है अभी का यहाँ का, भाई बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर है भाई। और भाई बाहर का तो पता नहीं, सिटी तरफ का मालूम नहीं है मुझे, हम लोग काठियाबाड़ी का मैं बता रहा हूँ, तो भाई बहुत ज़्यादा है। सो इस वाले ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, उम्मीद करता हूँ कि ये ब्लॉग तो आप लोग को अच्छा ही लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट न्यू ब्लॉग में एंड
तब तक लिए बाय बाय, लव यू गाइस।